आज हम बात करेंगे एचआईवी एड्स और ड्रग अब्यूज के जो ड्रग के जो नुकसान है उन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं करनाल के अंदर, टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट अमंग द हाई रिस्क पॉपुलेशन। वो हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है, उसमें आप लोग तो सारे सीनियर लोग, आप लोगों के साथ हम अच्छे से बात कर सकते हैं, परंतु जब जूनियर से बात करते हैं उनसे और लहजे में बात होती है, स्टूडेंट से और बात होती है। आप समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हाई रिस्क पॉपुलेशन है जो हमारे बीच में, वो फीमेल सेक्स वर्कर, गे, ड्रग इंजेक्टर और कुछ ब्रिज पॉपुलेशन है जैसे कि माइग्रेंट पीपल और इसके साथ जो हमारे ट्रकर्स हैं, इन सब का एचआईवी के संक्रमण में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा योगदान है। अन्य कारणों से भी हो सकती है परंतु जो मोस्टली है वो इन्हीं के माध्यम से हो रही है। सभी को पता है एड्स के बारे में, एचआईवी के बारे में, और जो एचआईवी और एड्स है जो ये चार कारणों से फैलती है। सबसे पहले चरण इसका एचआईवी होता है। एचआईवी के चार कारण हैं, अनसेफ सेक्स से, संक्रमित सुइयों से, संक्रमित ब्लड से और संक्रमित माता से उसके बच्चे को। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे हिंदुस्तान में एचआईवी फैल रहा है वो असुरक्षित यौन संबंधों से फैल रहा है। वैसे तो असुरक्षित यौन संबंधों में अगर कोई 100 बार गलती करता है, 1 बार संभावना है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, परंतु ये देखिए ना कितने लार्ज स्केल पे काम है, तो उसी हिसाब से इसमें पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है। 85% जो हमारे टोटल पॉपुलेशन के लोग हैं वो इसी रूप के द्वारा एचआईवी से ग्रस्त हो रहे हैं। एचआईवी की कोई पहचान नहीं होती। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति हो सकता है परंतु उसकी कोई पहचान नहीं है। क्यों पहचान नहीं है? इसका जो विषाणु है ना, एक बार वो बॉडी के अंदर चला जाता है ना, उसको पनपने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। जब 5 से 7 साल हो जाते हैं उसके अंदर कुछ सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एड्स। एड्स कब होती है? जब आदमी के अंदर ये सिम्टम आने शुरू हो गए, उसके अंदर बुखार हो गया, तो बुखार ही नहीं खत्म होगा उसका, टीवी हो जाएगी उसको, दूसरी बीमारियां घेर लेंगी, जुकाम, नजला, खांसी जुकाम, और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। 10 से 15% उसका वजन भी गिर जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी। एक बार बीमार हो गया तो वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। और जो एचआईवी का पेशेंट है उसका हमें पता नहीं चलता कि वो उसके अंदर एचआईवी का वायरस है या नहीं। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए एचआईवी का टेस्ट कराना जरूरी है। जब एचआईवी का टेस्ट कराते हैं उस टेस्ट के बाद भी हम पहले टेस्ट में कुछ नहीं कहते। अगर पहले टेस्ट में कोई पॉजिटिव आया उसे 2 टेस्ट और लगाए जाते हैं कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए। जब जाकर उसको डिक्लेयर किया जाता है कि पॉजिटिव व्यक्ति है। हम बात कर रहे थे चार कारणों के। पहला कारण तो हो गया असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा कारण हो गया संक्रमित ब्लड से। संक्रमित ब्लड से ये बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतने साथी बैठे हैं ना, ब्लड तो शायद दान सब नहीं किया होगा, चिटवाने वाला ये भी मुश्किल से मिलेगा मेरे को, यहाँ जहाँ भी जाते हैं मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ब्लड लगता है, सभी को ब्लड नहीं चढ़ता। और ब्लड में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे दीवान साहब तो बहुत कैंप लगाते हैं ब्लड के मामले में, हमारे साथी बैठे हैं बहुत सारे कैंप लगते हैं। ब्लड से 100% एचआईवी होगा अगर किसी को संक्रमित ब्लड चढ़ जाए। फिर कहते हैं भी हमने तो उसको सर्टिफाइड ब्लड बैंक से लिया था, हमें तो कोई खतरा नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि आज मेरे घर में कोई प्रेगनेंट वोमेन को जरूरत पड़ गई ब्लड की, तो जो कहते हैं ना भाई फैमिली का कोई आदमी ब्लड दे दे, वो ब्लड देने वाला कोई नहीं आएगा वहाँ पे। या एक्सीडेंट में जरूरत पड़ गई, वैसे तो सरकार दे रही है फिर भी जरूरत पड़ जाती है, कहीं रेयर ग्रुप की आते नहीं। फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, 2-4 आदमी जो उससे पकड़े और उनका ब्लड डोनेट कराया, जलाल से लेके कराया, जैसे मर्जी कराया, और दूसरा ब्लड हमने ले लिया। एचआईवी के अंदर हमें विंडो पीरियड नाम का एक याद रखना पड़ेगा, एक विंडो पीरियड होता है। मान लो आज मैंने कोई ऐसी हरकत की, असुरक्षित यौन संबंध बनाए, या मैंने किसी दूसरे की नीडल सिरिंज शेयर की आज की, और अगले दिन मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, तो उस ब्लड के अंदर वो जो अगर मेरे अंदर एचआईवी का वायरस है वो डिटेक्ट नहीं होगा। वो 3 महीने लगे उसको मेरे अंदर खून तक फूलने के लिए, फटने के लिए, और जब तक वो 20-22 दिन में ब्लड किसी के चढ़ भी जाएगा, वो विंडो पीरियड का जो ब्लड है, अगर वो किसी को ब्लड चढ़ गया तो 100% वो व्यक्ति भी पॉजिटिव हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उससे पूछा जाता है कि पिछले 6 महीने के अंदर आपका कोई हाई रिस्क का बिहेवियर तो नहीं रहा, हाई रिस्क समझ रहे आप, कोई हमसे प्रैक्टिस की उसने,
या वो ड्रग्स लेता है किसी के साथ, नहीं उसने शेयर की उसने, या और भी कारण हो सकते हैं, तो ऐसे में उसकी काउंसलिंग की जाती है। और काउंसलिंग के दौरान वो अगर बता देता है कि मेरा ऐसा हाई रिस्क का बिहेवियर रहा है, क्योंकि ट्रकर्स लोग होते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और उनका हाई रिस्क का बिहेवियर रहती है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सिंगल माइग्रेंट के तौर पर रहते हैं, कोई पहाड़ों में रहते नहीं जा रहा बाई बाई एकदम नीड के लिए, कई बार दाएं बाएं इंसान ने गलती कर दी और आके फिर ब्लड दे दिया, और ब्लड था वो विंडो पीड का, चार दिन पहले गलती की, एक महीने पहले गलती की, डेढ़ महीने पहले गलती की, तो ऐसे में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और जब काउंसलिंग करके हम अपने रिश्तेदार के ब्लड लेंगे जब हमें जरूरत पड़ती है, तो हमारे अंदर ब्लड से HIV का संक्रमण का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दूसरी अगला कारण है इसका, अपनी जो संक्रमित सुइयाँ हैं वो लोगों की संख्या बहुत कम है, परंतु कम तो है, उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। हम करनाल के अंदर 3 कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं फीमेल सेक्स वर्कर के ऊपर, एक काम कर रहे हैं हम गे बोलते हैं जिनको, हम उनका MSM बोलते हैं, मैन हैविंग सेक्स विद मैन, आदमी के साथ जो आदमी। हाँ जी, हाँ सर बोलिए। अगर हमारे पास टाइम है उसके टेस्ट कराने का, इन प्राइवेट हॉस्पिटल है रिश्तेदार का ब्लड लेके टेस्ट करके वही लगाते हैं, टाइम है 5 घंटे का, 7 घंटे का, 1 दिन का, हाँ उसमें हम दे सकते हैं, इमरजेंसी में नहीं दे सकते ना, इतनी जल्दी से टेस्ट संभव नहीं है, परंतु हमें पता मेरे घर में प्रेगनेंट वुमेन है, इसको जरूरत है ब्लड की, हम उसके लिए अच्छा उसी ग्रुप का ब्लड हम 2 दिन पहले 4 दिन पहले अरेंज कर सकते हैं, हमें डिलीवरी डेट का पता है, किसी के कोई कईयों में ब्लड की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे में हो सकता है। तो हम 3 पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, जो गे टाइप पॉपुलेशन है ये हमें टारगेट दिया है करनाल के अंदर 200 का, और हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, इसी प्रकार 200 का हमें दिया है ड्रग इंजेक्टर का टारगेट, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, 500 हमने सेक्स वर्कर को आइडेंटिफाई किया। फिर आप लोग कहेंगे इन लोगों के लिए हम लोगों ने विशेष प्रोग्राम क्यों चलाया, क्योंकि करनाल के अंदर मान लो 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों को हम अपनी जानकारी मुहैया नहीं करा सकते, और ये लोग हैं मुट्ठी पर लोग हैं, अगर हम इनको ढूंढ के इनको सेफ प्रैक्टिस, भाई आप लोगों ने सावधानी बरतनी है, आपने मरना तो है ही है, कम से कम तरीके से मरो, दूसरे लोगों को तो नहीं मारो, तो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रेड क्रॉस इन लोगों को फ्री में कॉन्डम प्रोवाइड कराती है, फ्री में नीडल सिरिंज प्रोवाइड कराती है, ताकि वो एक दूसरे के इंजेक्शन लगा के HIV से ना मरे, काले पीले से ना मरे, दूसरी बीमारियों से ना मरे, और फिर उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, हम उनको मान लो 10 महीने की इसको नीडल सिरिंज दी है, मैं कहता हूँ भाई अगले दिन इनको वापस मेरे पास जमा कराना जब आपको आगे मिलेगी, तो लोग लेने आते हैं, पुरानी लेके जाते हैं, ताकि पुरानी मशीनों को कोई लगा के लगा लेते हैं, जब नशे की फतूर चढ़ता है ना, बंदा देखता है उसने किसी की चोरी चिकारी करके 100-200 रुपये का नशा जुटा लिया, और 5 रुपये का नीडल सिरिंज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, फिर वो क्या करता है कहीं से उठाएगा, झाड़ियों में बहुत पड़ी है नहर पे, उठाएगा उसको साफ सूफ करेगा, पानी पुनी से नहीं करेगा ना करेगा उसको लगा लेता है। इसी प्रकार मेरे पास अभी 2 लोग डिडक्ट हुए हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, दोनों इंजेक्टर हैं, और वो नीडल सिरिंज आपस में शेयर करते थे, किसी को उठा के भी लगा लेते थे, क्योंकि जब दिमाग खराब होता ज्ञान नहीं रहता बंदे को। इसी प्रकार जो ये गे हैं MSM बोल रहे जिनको मैं गे टाइप लोग हैं, इनको भी हम कॉन्डम प्रोवाइड कराते हैं, भाई आप लोग अपनी आदत से काबू तो नहीं आएंगे, कम से कम दूसरे लोगों को बचाया जा सकता है। इसी प्रकार सेक्स वर्कर को भी हम कॉन्डम प्रोवाइड कराते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और इसके साथ साथ हमने इनका सबका लाइन लिस्टिंग की है, इनको 6 महीने में हम HIV टेस्ट कराते हैं, एवरी हमारा जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है सभी का, और इसके साथ साथ एक सिफिलिस की बीमारी होती है VDR बोलते हैं उसको, उसका भी हम मैंडेटरी टेस्ट कराते हैं हर 6 महीने के बाद, खुद भी करते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कराते हैं, और हर 3 महीने के अंदर हर सेक्स वर्कर का, हर गे का, हर इंजेक्टर का हम रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं ताकि वो डॉक्टर के पास जब जाएगा डॉक्टर उससे काउंसलिंग भी देगा, उससे पूछेगा भाई आपको क्या दिक्कत है। जिन लोगों में सेक्सुअल बीमारी होती हैं उन लोगों में आम इंसान के बजाय HIV के संक्रमण की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि HIV का विषाणु उस आदमी पे गिरेगा जो कमज़ोर हो, जो बीमार हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये करनाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। तो हमारे ये 4 कारण हैं। चौथा कारण है
मदर से बच्चे को जो पॉजिटिव मदर उसको भी हम 90% तक मदर को भी बचा मतलब बच्चे को भी बचा सकते हैं। दो पॉजिटिव व्यक्ति संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि हमारे अंदर है ना एक CD4 सेल होते हैं, आम इंसान के CD4 सेल 1200 होते हैं, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं जिनके 500 से कम गिर गए हैं ना उनको हम मान लेते हैं भाई इनको अब ग्रोथ की जरूरत है, उनको मेडिसिन की जरूरत है। वैसे तो हम जो भी पॉजिटिव व्यक्ति अच्छे उसके 1200 भी CD4 सेल है मेडिसिन शुरू करते हैं उनकी, परंतु जो कपल है वो डॉक्टर की सलाह के साथ अपना CD4 चेक करा के अपना एक हमारे अंदर वायरस लोड होता है, जो वायरल लोड है उसको चेक करा लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि मेरे बॉडी के अंदर HIV के संक्रमण कितना है। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि एक लिमिट के अनुसार है और आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, ऐसे लोग बच्चा पैदा करते हैं, जब वो बच्चा पैदा करेंगे उनकी जो डिलीवरी होगी ना वो सीजेरियन होगी, अगर वो नेचुरल डिलीवरी करेंगे तो बच्चे को HIV के संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर बच्चे को HIV नहीं होगा, माँ कोई बीमारी नहीं होगी, परंतु जब उसकी डिलीवरी होगी ना तो माँ के ब्लड के संपर्क में उसकी नाल आएगी और नाल के जरिए वो HIV के विषाणु को ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो डॉक्टर उसको सिजेरियन उससे पूरा फंक्शन का बाहर निकाल के सिंगल बच्चा पैदा होता है। अगर कुछ लोगों को नेचुरल भी पैदा हुए हैं और वो बच्चे भी संक्रमित नहीं हुए, क्योंकि जब डिलीवरी होती है ना पॉजिटिव लोगों की डिलीवरी स्पेशल डॉक्टर करते हैं, एक निब्रापेन नाम की मेडिसिन आई हुई है मार्केट में वो मदर को पिलाई जाती है जब लेबर पेन शुरू होते हैं, उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा होता है बच्चे को पिलाई जाती है और फिर 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद बच्चे का HIV का स्टेटस देखा जाता है, पाया गया कि 90% केस हैं जो वो नेगेटिव पाए गए, 10% लोग HIV से ग्रस्त पाए गए। तो हमारे पास सिर्फ 4 कारण हैं और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को जो +2 के बच्चे हैं +1 के बच्चे हैं उनके साथ तो बिल्कुल खुल के चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी टीन एज है ना इसमें हम नए नए प्रयोग करते हैं, कॉलेज में जो बच्चा आएगा शर्ट के बटन खुल लेगा थोड़ा बस में बाहर लटकेगा उसको दुनिया की समझ नहीं होती, वो दुनिया को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, और जो लोग पहले से समझदार होते हैं वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि सब कॉलेज के जवाने से गुजर के आए हैं, तो जो +2 के बाद जो हम कॉलेज में जाते हैं थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि हमें दुनिया को बड़े नज़दीक से देखें। आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान वैसे तो युवाओं का देश है, अगर किसी देश को नष्ट करना हो हमें बर्बाद करना हो उसमें हमें गोली बारी करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, उसके युवाओं को नशे की लत लगा दो। आप देखिए हमारा पूर्वोत्तर भारत पूरा ड्रग्स की चपेट में आ चुका है, पूरा पंजाब जम्मू कश्मीर का इलाका और छोड़िए हरियाणा का भी काफी हिस्सा जो पंजाब से लगता है ना वो नशे की चपेट में आ गया, इतने प्रकार के नशे हो रहे हैं देखिए कि पेट्रोल सूंघने से लेके सलोचन सूंघने से लेके और चिट्टे लग और ड्रग्स हीरोइन कोकीन ये सारे नशे मार्केट में है, करनाल के अंदर है। हमारे जो इंजेक्टर हैं जो ड्रग यूजर हैं हमारे साथ शेयर करते हैं भाई मैंने आज 5000 रुपये का नशा किया, सिंगल डोज 5000 रुपये की, मैंने 2000 रुपये की डोज ली, मैंने 500 रुपये की डोज ली, तो वो हमारे मार्केट में कहाँ से आया, वो सारा पाकिस्तान की साइड से चाइना की साइड से और नेपाल के रास्ते लगा लो बांग्लादेश की साइड से लगा लो, तो ये सारा पड़ोसी मुल्कों की तरफ से आ रहा है। हिंदुस्तान में भी ड्रग्स बहुत होती है परंतु जो ड्रग्स बाहर से आ रही है वो ड्रग्स बहुत इंडिया के अंदर तो लाइसेंस पे खेती होती है थोड़ा रख रखाव होता है, जैसे अफीम की खेती होती है अफीम से सारे इतने नशे अफीम से बनते हैं मोस्टली, परंतु जो पाकिस्तान से नशा आ रहा है उस नशे की वजह से हमारा पूरा पूर्वोत्तर का भारत और पूरा हमारा ये पंजाब का इलाका बिल्कुल तबाह हो गया। पंजाब के अंदर जितने भी बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर का इलाका कि मैं लुधियाना के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरी NGO लुधियाना के अंदर काम कर रही है, सरकार ने बिल्कुल परेशान होकर हमें 300 इंजेक्टर दिए हैं ड्रग इंजेक्टर जो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी जिम्मेवारी हमारी है कि इनका जो देखरेख करनी है मेडिसिन की देखरेख करनी है वो हमारी संस्था कर रही है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर बकायदा जगह दी है, तो मैं हैरान हूँ कि एक शहर में 300 लोग तो हमारे को दे दिए और जो इंजेक्टर हैं खाली उसमें सेक्स वर्कर भी हैं ये भी हैं, लुधियाना के अंदर मैं ही कहता 20,000 से ज़्यादा लोग HIV पॉजिटिव हैं और हरियाणा की भी स्थिति कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है, इस टाइम हरियाणा के अंदर पिछले साल तक 23,000 लोग HIV से ग्रस्त घोषित हो चुके हैं कि 23,000 लोग हरियाणा के अंदर और इंडिया के अंदर 3,69,000 लोग HIV से ग्रस्त हैं, और ये भी वो लोग हैं
जिनका टेस्ट हो गया है और जो लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं जा रहे उनका क्या करें? क्योंकि कुछ सरकार ने भी मैकेनिज्म बनाया है कि कैसे पता लगता कितने लोग पॉजिटिव हैं, जैसे सर्विलेंस होता है। अभी हमारे से बोला जाएगा कि भाई आप 50 FSW का लिस्ट देंगे, भाई इनका सैंपल दीजिए, हमें आईडी का सैंपल दीजिए, ये का सैंपल दीजिए, ट्रकर्स का सैंपल दीजिए और माइग्रेंट पॉपुलेशन का सैंपल दीजिए और प्रेग्नेंट वुमेन का सैंपल ये हॉस्पिटल वाले कलेक्ट करते हैं, जनरल पॉपुलेशन डेली। फिर ये आंकड़ा निकालते हैं इंडिया के अंदर HIV हो घटते क्रम में चल रही है, बढ़ते क्रम में चल रही है। इस टाइम थोड़ा सा स्थिर हुआ है, थोड़ा सा घटा है HIV का संक्रमण, क्योंकि मीडिया की वजह से, मीडिया टीवी की वजह से, प्रोग्रामों की वजह से सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, इस प्रकार के प्रोजेक्ट चला रखे, उनको स्टाफ को भी सैलरी दे रही है। और आप लोग सोचेंगे कि हम इस काम को कैसे सफल बना पा रहे हैं, कि ये लोग तो बताते ही मैं इंजेक्टर हूँ। इसके लिए भी सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उससे हम पीयर एजुकेटर सेलेक्ट करते हैं। पीयर का मतलब होता है हम जो सहपाठी लगा लें उन्हीं के बीच में से हम उनको थोड़ा सा रिडियम देते हैं, वो अपने जैसे भाई बंधुओं को ढूंढते हैं, हमें मलवाते हैं, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, फिर हम उनको अपने ऑफिस की तरफ लेके आते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ ले जाके उनका HIV टेस्ट कराते हैं। तो आज के युग में जहाँ नशा है वहाँ HIV का संक्रमण हो गई होगा, नशे के बाद आदमी सारा शुद्ध बुद्ध खो देता है और HIV एड्स का मार्ग वहाँ से त्रस्त हो जाता है, चाहे वो इंजेक्ट के जरिए है चाहे वो अनसे प्रैक्टिस के जरिए। इस टाइम हमारे करनाल के अंदर लगभग हर CHC लेवल पर ICDC सेंटर खुले हैं, जहाँ पे वॉलेंट्री हम अपने फोन की जांच करा सकते हैं, हम अपने HIV के स्टेटस का पता लगा सकते हैं। अब तो कल्पना चावला में भी ICDC इस महीने से शुरू हो गया और GHK तो यहाँ पे है ही है, और हम भी खुद हाई रिस्क पॉपुलेशन के कैंप लगा के अर्बन स्लम्स में उनके सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर पॉजिटिविटी आ भी रही है। पिछले 1.5 साल में हमारे पास 17 लोग पॉजिटिव आ गए हैं 900 की पॉपुलेशन में। आप देखिए 900 की पॉपुलेशन में 20% के लगभग बनता है, 20% लोग HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब 2% बनता है। देखिए हिंदुस्तान की लगभग 135 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, 135 करोड़ में देखिए कितने लोग अभी निकल के सामने आए। थोड़ा हम इसको शर्म से जोड़ के देखते हैं, भाई मैंने HIV का टेस्ट करा लिया, पता नहीं क्या होगा, गलती किसी भी की भी हो सकती है। हमारे पास 10-10 साल के बच्चे HIV पॉजिटिव आए हैं, 10 साल वाले बच्चे ने क्या किया, उसका माँ बाप पॉजिटिव थे इसलिए वो पॉजिटिव है। हम इसको चरित्र से जोड़ के देखते हैं HIV को, इसलिए स्टिग्मा बना हुआ समाज के अंदर, भाई ये HIV का, अगर किसी को कैंसर हो रहा है हम उसको स्टिग्मा के तौर पे नहीं देखते, भाई कैंसर हो रहा है बड़ी सहानुभूति हमारी रहती है, कोई हार्ट का पेशेंट है बड़ी सहानुभूति रहती है, बोले देखो इसको 3 अटैक आ गई है, पता नहीं बेचारा बचेगा कि नहीं बचेगा। परंतु जो HIV का पेशेंट है जिसको लंबे टाइम तक जीना है, क्योंकि एक HIV का पेशेंट अगर मेडिसिन लेता है, हमारे पास ARV सेंटर बने हैं, एंटीरैलोफैक्टिव बोलते हैं इसको, इसमें जो मेडिसिन मिलती है अगर एक टैबलेट डेली खाता है एक HIV पॉजिटिव आदमी, वो 15 से 20 साल तक जिंदा रह सकता है। जब पता है कि एक HIV पीड़ित आदमी 15 साल 20 साल 30 साल जिंदा रह सकता है, उसके लिए हम इतना तगड़ा स्टिग्मा तैयार कर देते हैं कि वो बेचारा 3 साल में 4 साल में दम तोड़ देता है। क्योंकि समाज अगर उसका पता लग गया तो समाज उसको शंका से देखता है कि इस आदमी का चित्र ठीक नहीं था, कारण कुछ भी हो सकता है। तो हमें जरूरत है इसमें समाज में जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ सहानुभूति की नहीं, सहयोग की जरूरत है कि उनको भी जो आम आदमी के राइट हैं वो राइट HIV पॉजिटिव लोगों के। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है कि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनकी पेंशन शुरू करने जा रही है, उनको जो हमारे हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा विकलांग पेंशन मिलती है उसके समान पेंशन +500 रुपये उनको डाइट के दिए जाएंगे। क्योंकि जो HIV पॉजिटिव लोग होते हैं डाइट न मिलने की वजह से मरते हैं, क्योंकि जब वो बीमार हो जाएगा उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। अभी एक ब्राज़ील के अंदर में नाम ही ध्यान में रहे, एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो पिछले 25-26 साल से HIV से ग्रस्त है, परंतु ग्राउंड में रहता है, उसकी फिटनेस इतनी बढ़िया है, उसके HIV का कोई नुकसान ही नहीं। अब आप देखिए कई लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनकी परंपरागत होती है शुगर की होती है, फैमिली में फैमिली टू फैमिली चलती है, चलती रहती है, वो उसके साथ जिंदा है,
फिर एक एच आई वी पॉजिटिव आदमी अपने संक्रमण के साथ क्यों जिंदा रह सकता, अपने वायरस के साथ क्यों जिंदा रह सकता। और अमरीका में बड़ी रिसर्च चल रही है, शायद आने वाले 5-6 साल में इसकी मेडिसिन आ जाएगी और इसको जड़ से ही मिटाया जा सकता है। परंतु फिलहाल ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आई कि हम एच आई वी को जड़ से मिटा दें। हाँ, इसके वायरल लोड को, इसके संक्रमण को हम एक निश्चित मात्रा में रख सकते हैं दवाई के द्वारा। डेली अगर मेडिसिन लेगा तो चलता रहेगा। तो मैं अनुरोध करूँगा आप लोगों से, अगर किसी साथी की कोई कोई भ्रांति है या कोई जानकारी मेरे इसमें प्लस करना चाहता है या और किस प्रकार की जानकारी चाहता है, वो अपना स्वाद रख सकता है और इसमें भी प्लस कर सकता है। क्योंकि हम तो, आप लोग सभी टीचर हैं, आप लोग पढ़ाते हैं हमेशा, और गुरु तो ज्ञान बांटता है। हम तो जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, इसी डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी आप लोगों को दे सकते हैं। आप लोगों के पास तो ज्ञान का भंडार है। तो सर, किसी का कोई सवाल है तो अपना सवाल कर सकता है। और मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने स्कूल में जाके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-15 बना के ग्रुप बनाइए, और उनमें जानकारी शेयर कीजिए। और बच्चियों को इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसकी जानकारी। लड़कियों की भी जानकारी हासिल कर लेते हैं, सब लोग इंटरनेट ये यूज़ करते हैं, बच्चियाँ यूज करती हैं। परंतु बच्चियाँ हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है उसके हिसाब से उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही। हम घर में खुद सभी करते हैं, मॉडल पे रोड एजमेंट आगे हमने चैनल चेंज कर दिया, एच आई एड्स पे आगे हमने चैनल चेंज कर दिया। तो ये वक्त के साथ एक बच्चे को नहीं है जिन्हें इसका पता लग जाना चाहिए, 13-19 साल के बीच उसको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपने समाज का निर्माण करना। अगर हमारा समाज ही खोखला हो जाएगा, नशे की लत में चल जाएगा, एच आई वी की लत में चल जाएगा, कहाँ से हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट आएंगे, कहाँ से अच्छे नेता आएंगे, कहाँ से अच्छे डॉक्टर आएंगे, कहाँ से अच्छे टीचर आएंगे, कहाँ से सब जगह आएंगे। देखो, सोचने का विषय है कि हर गाँव में तो 1-2 पेशेंट एच आई वी का बिल्कुल सही से मिल जाएगा, शेयर नहीं करते। मरने के बाद पता चलता है दोबारा आदमी एच आई वी से मरा था, क्योंकि इतना बड़ा स्टिग्मा आया। बंदा सोचता है यार तेरे तो परिवार में कलंक लग जाएगा, तेरे परिवार में एच आई वी का रोग लगा, कल को रिश्ते भी नहीं होने थे, यहाँ तक प्रेगनेंसी है कि रिश्ते नहीं होने थे। हमारे यहीं गीड़ के पास एक गाँव का केस है, मैं उस पर्टिकुलर गाँव का नाम नहीं लूँगा, कोई साथी था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसने क्या किया, एक ट्रैफिकिंग में फंसी असम की लड़की आई थी यहाँ, उससे शादी कर ली। उससे शादी करने के बाद उसके 2 बेटियाँ हो गई, और जो तीसरी बेटी होने वाली थी उसकी एएनसी शुरू हुई। एएनसी के दौरान डॉक्टर ने एच आई वी का टेस्ट किया, वो पॉजिटिव पाई। पहले पुराने टाइम की बात है, काफ़ी 8-10 साल पहले मैंडेटरी नहीं था एच आई वी का टेस्ट। लोग गाँव में टीके टाके लगवा के सही से बच्चा पैदा करवा लेते थे, अब तो ये थोड़ा सरकार ने बढ़िया कर दिया है। तो किया, वो पॉजिटिव निकले, उसके बच्चों का टेस्ट किया, हस्बैंड का। और देखिए बायलर, मैं कह रहा था ना, कोई 100 गलती करने के बाद, 99 के बाद 100 गलती में पॉजिटिव हो भी सकता, ना भी हो सकता। वो बंदा उस लेडीज के साथ 12 साल साथ रहने के बाद भी वो नेगेटिव मिला, वो पॉजिटिव नहीं था। उसकी बड़ी बेटी नॉर्मल डिग्री थी, वो पॉजिटिव नहीं थी, और छोटी गुड़िया किसकी, वो पॉजिटिव थी, और वो लेडीज पॉजिटिव थी। क्योंकि बर्फ के दौरान ही है जो संक्रमण हो सकता है, माँ के पेट में उसको संक्रमण नहीं हो सकता। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में विधवा विवाह, तलाकशुदा के विवाह, कहते हैं सीढ़ी था भैया तलाक करा के दूसरी जगह बेटी को बिछा दिया, ऐसे केसों में पॉजिटिविटी की बहुत संभावना है। लोगों को जागरूक कीजिए, अगर री मैरिज का केस है तो मैंडेटरी एच आई वी टेस्ट कराना चाहिए, दोनों पक्षों ने कराना चाहिए। क्योंकि हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहीं लोग हैं घराने गुजर जाती है, री मैरिज होती है, कहीं और से लेके आते हैं, वो पॉजिटिव है, घराने एच आई वी से मर गई और फिर नहीं है, उसको भी पॉजिटिव कर दिया। तो ऐसे में री मैरिज के केस में हमें एच आई वी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आंध्र गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, परंतु कुछ लोग कराते हैं, कुछ नहीं कराते। वैसे तो चाहिए सरकार से, जब एंगेजमेंट होती है ना, स्टेटस मांगना बहुत जरूरी है।